तो वहां से विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है। विधायक विनोद बयाना पर फायरिंग करने की कोशिश की गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। भीड़ ने बदमाशों की कोशिश को नाकाम किया, ये बड़ी खबर। ट्रक यूनियन में विवाद का ये पूरा मामला है। तो हांसी विधायक हैं और जिन पर यह हमला हुआ है, ट्रक यूनियन के बीच यहां पर पहुंचे थे बयाना। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो हांसी विधायक पर हमले की यह खबर, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। फायरिंग की कोशिश की गई है, तो ये बड़ी खबर। विधायक विनोद बयाना पर फायरिंग की कोशिश, भीड़ ने बदमाशों की कोशिश को नाकाम कर दिया, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। हांसी विधायक पर यहाँ पर हमले की कोशिश, ट्रक यूनियन के बीच यहाँ पर पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए विधायक, और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। घटना के बाद से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो हांसी विधायक पर हमले की खबर, जानलेवा हमला किया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भाजपा के एमएलए हैं और बदमाशों ने इन पर पिस्तौल दानने की कोशिश की है। ट्रक यूनियन के बीच यहाँ पर विधायक पहुंचे थे और ट्रक यूनियन के जमीन विवाद का मामला है और इसी को लेकर ही यहाँ पर ये पहुंचे हुए थे। तो हांसी विधायक पर जानलेवा हमले की कोशिश, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि विधायक विनोद बयाना पर हमले की कोशिश की गई है। भीड़ ने बदमाशों की कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि ट्रक यूनियन की जमीन के मामले पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए विधायक मौके पर पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त विनोद बयाना बीजेपी विधायक हैं हांसी से, जिन पर हमले की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ट्रक यूनियन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो ये बड़ी और अहम खबर, ट्रक यूनियन में विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विधायक विनोद बयाना पर फायरिंग करने की कोशिश की गई। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो हांसी विधायक पर जानलेवा हमले की कोशिश, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। हिसार से संवाददाता अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस खबर को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। भाजपा विधायक विनोद बयाना पर हमले की कोशिश की गई है, कब का ये पूरा मामला है और अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, तो ये मामला पूरा करीब एक घंटे पहले का है, जहां पर कुछ दिन पहले यहां पर ट्रक यूनियन और प्रशासन के बीच में जमीन को खाली कराने का विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज भी प्रशासन यूनियन की जमीन को खाली करवाने के लिए पहुंचा था और यूनियन के सदस्यों ने विधायक विनोद बयाना को मौके पर बुलाया, जिसके बाद विधायक विनोद बयाना मौके पर यूनियन और प्रशासन को समझाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन भीड़ में कुछ बदमाश वहां पर पहुंचे हुए थे और बदमाशों ने, जैसे कि विधायक विनोद बयाना यूनियन और पुलिस प्रशासन के बीच में बात कराने लगे, तो उसी दौरान कुछ बदमाशों ने फायरिंग करने की कोशिश की गई और भीड़ ने वहां पर एक पत्थर उठाकर बदमाश को मारने की कोशिश की गई, तो बदमाश की पिस्तौल हाथ में छूट गई और भीड़ को बढ़ती देखकर बदमाश अपने पिस्तौल को छोड़कर वहीं से मौके फरार हो गए, जिसके बाद यूनियन के सदस्यों ने और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी मकसूद अहमद मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा मामला है, विधायक जब किसी इलाके में पहुंचते हैं सुरक्षा व्यवस्था तो तगड़ी होती है, लेकिन अगर इस तरह से कोई वहां पर बंदूक तान दे या फिर फायरिंग करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर अमित। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात किया है तो सुरक्षा व्यवस्था में तो पुलिस लग के लगभग जब जमीन खाली करवाने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ था तो लगभग 150 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की वहां पर पहले से ही ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बावजूद बदमाशों ने विनोद बयाना पर पिस्टल द्वारा फायरिंग करने के जो कोशिश की गई है, उसमें तो एक व्यवस्था में सेंध लगाना बड़ी बात है, क्योंकि बात की जाए विनोद बयाना के पास भी लगभग 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद भी बदमाशों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और पिस्टल से गोली मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद विधायक विनोद बयाना बाल बाल बच गए, जिसके बाद विधायक विनोद बयाना को गाड़ी से रवाना कर दिया गया और उसके बाद कुछ मिनटों के बाद एसपी मकसूद अहमद पहुंचकर मौके पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वाकई जिस तरह की स्थितियों से तो यही नजर आ रहा है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल, बाल बाल बचे हैं विनोद बयाना। आपको बता दें कि जमीन विवाद के मामले पर यहां पर ट्रक यूनियन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है।